आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में एक अजीबोगरीब वाक्या प्रकाश में आया है। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शिशु रोग विशेषज्ञ और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी उमरिया, वे चड्डी बनियान में एक मोटरसाइकिल में पूरी रफ्तार से भागते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो में ये दावा किया जा रहा है कि आर के मेहरा CMHO उमरिया पूरी तरह नशे में धुत हैं। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, उसके बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के जॉइंट डायरेक्टर के द्वारा डॉक्टर राजू निदारिया के हस्ताक्षरों से एक आदेश जारी हुआ। इस आदेश में आर के मेहरा को CMHO पद से तत्काल हटा दिया गया है और उन्हें क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाएं रीवा संभाग रीवा में पदस्थ किया गया है। उनके स्थान पर जिला परिवार एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण अधिकारी DHO डॉक्टर शिव व्यवहार चौधरी को उमरिया का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। देख सकते हैं आप जो वीडियो में जो सज्जन गाड़ी चलाते हुए दिख रहे हैं, पूरी रफ्तार से भाग रहे हैं। तीन लोग बैठे हुए आपको नजर आ रहे होंगे। यातायात नियमों का उल्लंघन आपको दिख रहा होगा और इस वीडियो में स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, चड्डी और बनियान में नशे में धुत ये दिखाई दे रहे हैं। दरअसल जब से अधिकारियों की पदोन्नति के बजाय उन्हें करंट चार्ज, जो कांग्रेस के शासनकाल में दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय करंट चार्ज दिया जाता था, जिसे ये देखिए यहाँ ये गिर गए, CMHO यहाँ पर गिरे हुए दिख रहे हैं। करंट चार्ज जिसे प्रभारी बनाया जाता था, वर्तमान में अगर आप देखें तो 90% अधिकारी प्रभारी अधिकारी होंगे। भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर जगह प्रभार देने की परंपरा चल पड़ी है। ये देखिए यहाँ पर एक बार फिर हम आपको दिखा रहे हैं, ये CMHO चड्डी और बनियान में चड्डी के बजाय हाफ पैंट जैसा कुछ दिख रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये गिर जाते हैं, मोटरसाइकिल इनकी गिर जाती है, नशे में पूरी तरह धुत होने का दावा किया जा रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। ये निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक मुखिया और इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व पर सवालिया निशान कहीं ना कहीं खड़ा करता हुआ दिख रहा होगा। आइए अब हम आपको सोशल मीडिया पर जो वीडियो चल रहा है उसे पूरा वीडियो हम दिखाते हैं कि वीडियो में आखिर है क्या। आइए देखते हैं पूरा का पूरा वीडियो। ये है उमरिया जिले के CMHO मेहरा सर, बधाई हो। कैसे हैं सर? ये आपके संस्कार हैं जो आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं? ये आपके संस्कार हैं ऐसे? कुछ है हाँ, ये संस्कार हैं आपके? इन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली है, ये देखिए इतना ड्रिंक किए हैं। ये उमरिया जिले के CMHO दादा, दूर हो, मैं CM साहब को पोस्ट करूंगा। सर ये आपके संस्कार हैं जो आप ऐसे गाड़ी चला रहे हैं? ये आपके संस्कार हैं ऐसे? कुछ है हाँ, ये संस्कार हैं आपके? इन्होंने इतनी ड्रिंक कर ली है, ये देखिए इतना ड्रिंक किए हैं। ये उमरिया जिले के CMHO दादा, दूर हो, मैं CM साहब को पोस्ट करूंगा।
तो ये आपने देखा, ये पूरा का पूरा वीडियो हमने आपको दिखाया किस तरह से मोटरसाइकिल पर सवार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आर के मेहरा किस तरह से हाफ पैंट और बनियान में दौड़ाते वाहन चले जा रहे थे दोपहिया वाहन में बिना हेलमेट के, और तीन सवारी बैठकर वे चल रहे थे। अभी तक पता नहीं है यातायात तो पुलिस उमरिया के द्वारा, पुलिस अधीक्षक उमरिया के द्वारा इस मामले में कोई कार्रवाई की गई है या नहीं की गई, उनको उस वाहन का चालान बनाया गया या नहीं गया है, और वाहन अगर वे नशे में चला रहे थे तो वाहन पर नशे में वाहन चलाने की कार्रवाई उन पर हुई है अथवा नहीं हुई है। तीन सवारी, ये देखिए आगे निकल जाओ कह रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में अफसरशाही पूरी तरह बेलगाम हो चुकी है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। हर जगह अगर आप किसी अधिकारी की शिकायत करते हैं तो उस शिकायत की जांच उसी अधिकारी को दे दी जाती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अगर खुद देखें तो सीएम हेल्पलाइन में कई शिकायतें इस तरह की हैं, जो शिकायतें तीन चार चार साल से लगातार चली जा रही हैं। देखिए बनियान और हाफ पैंट में ये चले जा रहे हैं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी। बताया जाता है कि ये किसी सांप के डसने के इलाज के लिए पास के किसी गांव में गए जाना इनके द्वारा बताया गया था, पर इनके पास ना कोई दवाएं दिख रही ना ही कोई और अन्य थैला भी दिख रहा है जी इलाज करेंगे, और अंततः अथवा जिसको भी सर्पदंश किया होगा वो जिला चिकित्सालय ही उसे रेफर किया जाएगा। फिर इनका इस तरह से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सरकार की ओर से वाहन मिलता है, वो वाहन कहाँ है ये देखिए, ये यहाँ पर गिलते हुए दिख रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चाहिए कि वे हर जिलों में कलेक्टर्स को पाबंद करें 5 बजे शाम के बाद कार्यालयों में क्या होता है। कहा जाता है कि 5 बजे शाम के बाद सारे कार्यालय मैखानों में तब्दील हो जाते हैं, अधिकांश कार्यालयों में जाम टकराते हुए लोग दिखाई दे जाते हैं, यहाँ तक कि कार्यालयीन समय में भी लोग शराब के नशे में ही रहते हैं। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, अफसरशाही पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत मध्य प्रदेश में महसूस हो रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए उमरिया ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेना चाहेंगे, जय हिंद।